subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Actually मेरा social work का काम मैंने 2020 में start किया था और 2021 और 22 तक मैंने कोई highlight नहीं किया है. जैसे 2020 में मैंने videos और जो भी मेरे post थे मैंने social media में upload किया हूँ. और actually 2 साल हो गए मेरे को social work काम करते हुए और काफ़ी लोगों का response आया, काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला, काफ़ी लोग मोटिवेट किया मेरे को इस काम में. और ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए इस फील्ड में आके सोशल वर्क के काम में. और मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग ये सोशल वर्क काम करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो फूड के बारे में हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, हम लोग 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते हैं. कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे इंस्टाग्राम में पेज है, मेरा ओन पर्सनल अकाउंट है आफ्ताब संधि, वहाँ पे आप जाके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे रहेगा, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. किस तरह का काम करते हैं आप सर? जैसे कि सर कोई खाने पीने का कोई किसी को प्रॉब्लम है, मेडिसिन का प्रॉब्लम है, तो हम उसमें हेल्प करते हैं लोगों को. ऐसे ही नहीं कि किसी को भी देते हैं हम लोग, उसके पीछे इंक्वायरी रहता है, उसके पीछे हमारी टीम रिसर्च करती है सच्ची में उसको कोई ज़रूरत है या उसको ये फेक है. ऐसा नहीं कि हम लोग इंक्वायरी काट के हम लोग सभी की मदद करते हैं, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मेडिसिन फूड हो, किसी को घर पे प्रॉब्लम होता है थोड़े बड़े चीज़ों के लिए, तो हम लोग अवेलेबल रहते हैं चीज़ों के लिए. आप अब तक कितने लोगों को आपने हेल्प किया? देखिए सर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तो हो गए हमें इस फील्ड में, तो कभी कैलकुलेशन किया नहीं सर कितने लोगों को किया है, बट काफ़ी लोगों को किया है, बहुत लोगों को किया है, बहुत लोगों ने मोटिवेट भी किया है हमें, बहुत लोगों ने दुआ भी दिया है. बस उन दुआ के लिए हम यहाँ पे रुके हैं सर आपके सामने, तो बस काफ़ी लोगों को मदद किया है सर, कैलकुलेशन किया नहीं कभी सर, बहुत लोगों की मदद किया है सर. सो अभी गोवा में ही शुरू किया है आपने कि बाकी स्टेट में आपका ये है? सर अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने अपने गोवा में स्टार्ट किया है, चाहे अभी मैं फोंडा में रहता हूँ सर, तो चाहे अभी पेंजिम से भी हमको कॉल आता है, इसमें से हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, तो जितना हमारे से होता है सर हम लोग करते हैं. एक बड़ा कोई भी केस होगा तो हमारी और एक टीम है, तो हम उनको बोल के इंक्वायरी करके थोड़े बड़े लोगों से मिल के उनका सॉल्व करते हैं सर. आपका टीम का कोई नाम है या? हाँ सर हमारी टीम का नाम है सर लेट्स बी टुगेदर, हमारा लेट्स बी टुगेदर उस टीम का हमारा नाम है, तो उनकी तरह हम सब काम करते हैं सर. रजिस्टर वगैरह किया? रजिस्टर नहीं सर, रजिस्टर कुछ किया नहीं सर, होगा सर आगे जाके सब करेंगे सर. लेकिन आप पैसा फंड कैसे करते हैं, रेज करते हैं? हाँ सर देखिए फंड का जो बात आता है सर, हम लोग मैं एक बिजनेसमैन हूँ सर, और हमारे जितने भी टीम में सर काफ़ी लोग जॉब करते हैं सर, काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं, तो हमारा जो सेविंग होता है सर वो हम लोग वेस्ट नहीं करते सर, हम लोग डायरेक्ट गरीब लोगों को डोनेट करते हैं सर. तो ये सर फंड अरेंजमेंट होता है हमारी, अभी तक ना कोई डोनेशन कोई बड़े लोगों के साथ कोई डोनेशन का कोई किया नहीं सर, बस हमारा ये जो फंड होता है हम लोग उसमें अरेंजमेंट करते हैं. कोई पॉलिटिकल बैकअप? ऐसा पॉलिटिकल बैकअप कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस अपने दिल में एक है लोगों की मदद करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, बस ये करते हैं सर. इस काम में कंपनियां स्पॉन्सरशिप देते हैं क्या? नहीं 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 सर, इस अभी तक तो कोई स्पॉन्सर नहीं है सर, अपने ओन करते हैं सर और खुद ही ये करना चाहते हैं सब कुछ. आपको कुछ अपील भी कुछ है कि बिजनेसमैन के पास की कुछ हेल्प करने के लिए? हाँ सर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है सर, किसी ने स्पॉन्सर किया, किसी ने हमें बुलाकर ले लो इतना आपको हमने डोनेशन दे रहा है, तो काफ़ी हमको भी हेल्पफुल होगा, तो हमें इसमें खुशी होगी कि कोई हमारा सपोर्ट कर रहा है फाइनेंस प्रॉब्लम में, तो अच्छा होगा सर कोई ऐसा मदद किया. किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको कॉन्टेक्ट कैसे करें, आपका नंबर कोई है क्या? फिलहाल तो सर काफ़ी लोगों का नंबर हमारा शेयर हुआ है सर, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, वहाँ पे हम लोग नंबर शो किया है बायो में, तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो हमको, और हम लोग 24/7 ऑनलाइन रहते हैं सर, आधी रात में भी कॉल करो हम लोग आते हैं सर. कितना भी 2 साल हो गए आपको? हाँ 2 साल हो गए इस फील्ड में सर. ग्रुप कितने लोगों का है सर? ग्रुप में हमारा 5 लोग हैं अभी फिलहाल, 2 लोग आउटसाइड में है थोड़ा गाँव में वेकेशन के लिए, फिलहाल हम लोग 3 लोग यहाँ पे करते हैं सोशल वर्क, तो हैंडल होता है सर हमारे 3 लोग कर सकते हैं. कोई प्लेस कॉन्टेक्ट प्लेस? नहीं सर कॉन्टैक्ट प्लेस तो नहीं, ऐसा मोबाइल नंबर होता है, हम घर पे रहे क्या बिजनेस में रहे, तो डायरेक्ट कॉल गया तो हम लोग सब छोड़ के आते हैं. कोई मोबाइल नंबर दे? हाँ मोबाइल नंबर है सर, तो मैं मोबाइल नंबर बोलना चाहूँगा 7249495284. कभी भी कॉन्टैक्ट करो इस नंबर पे, 24/7 हम लोग ऑनलाइन रहेंगे आप. अगर समझो किसी को मेडिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, तो आप कैसे मदद कर सकते हो? सर अभी 2 ईयर्स तो हो गए, ऐसा कोई मेडिकल जो बड़ा इशू होता है वो भी तक कोई प्रॉब्लम हमारे पास आया नहीं है. छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होता है, चाहे वो किसी को कट हुआ है, किसी को बीमार है, तो हम लोग उसमें हेल्प करते हैं. आगे जाके कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बड़े लोगों से मिल के बात करके, उनसे फैमिली से बात करके हम लोग कोशिश करते हैं सर. ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते, हम लोग कोशिश करते हैं सर.
आप नेटिव कहाँ से? नेटिव कहाँ से आप? समझे सर, कहाँ रहते हैं? हाँ मैं सर, मैं नागा मस्जिद में रहता हूँ, कुट्टी, तो वहाँ से मेरा। आप इसमें फील्ड में, सोशल वर्क फील्ड में कैसे आ गए? देखो सर, जैसे कि 2020 में सभी को पता है कि लॉकडाउन हो गया था, कोरोना आ गया था, तो काफ़ी लोग, मेरे दोस्त भी हैं, काफ़ी उनके बिजनेस प्रॉब्लम आ गए, तो वो है मेरे से हेल्प मांगते थे, थोड़ा मेरे को कुछ हेल्प कर दो, तो हमें वो देखा नहीं जाता था सर। तो हमने डिसाइड किया हमारी टीम ने कि हमारे सभी लोग हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, तो हम उनका सपोर्ट करें, उनका एक बैकबोन सपोर्ट नहीं दें, इसलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाकर ये काम स्टार्ट किया सर। और काफ़ी रिस्पॉन्स मिला सर इस बारे में, और काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, और हमें खुशी हुई इस बारे में, और हमें आगे और मोटिवेशन मिलेगा, और हमें और आगे बढ़ेंगे। आपके पास मेंबर का नाम? इसमें हम लोग 5 मेंबर हैं, इसमें एक इमरान है, और अदनान, और राहुल करके एक लाए, और मलिक और प्रदीप, ये 5 लोग हैं हम लोग। ज़्यादा एक्टिव हम लोग 3 लोग रहते हैं, मैं, इमरान और अदनान। हम लोग सोशल मीडिया जो हैंडल जो है वो हम लोग संभालते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो हम लोग ये 3 लोग इधर रहते हैं, बाकी जो हमारा जो भी परेशान हो हम लोग को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो लोग हमारे तक आते हैं। पंचायत इलेक्शन के लिए आपका कुछ लड़ने का इरादा है? नहीं सर, पंचायत इलेक्शन का ऐसा कोई नहीं है सर, बस पंचायत इलेक्शन में हमारे दोस्त ही बैठ रहे हैं सर, बस सपोर्ट करेंगे सर, जो हमारे देश के लिए सही है सर, हम उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि दोस्ती या रिश्तेदार, ऐसा नहीं सर, हमें जो सही लगता है, हाँ ये देश के लिए सही है, हमारे इस मोहल्ले के लिए सही है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं सर। कोई पॉलिटिक्स का गेम नहीं है सर, कोई पॉलिटिक्स पावर नहीं है सर। आपका बिजनेस क्या है सर? मेरा बिजनेस है, हमारा 3-4 बिजनेस है सर, जैसे कि कार एक्सेसरीज हो गया, हमारा होलसेल अंडे का बेच, चिकन का बिजनेस, काफ़ी बिजनेस है हमारा, उसमें जो हमारा सेविंग होता है सर, हम लोग पूरा डोनेट कर रहे हैं सर।